ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था महत्तम सम्मा पर्वतक, जिसको अपन संक्षेप में मस या एलसीएम कहते हैं, आज उसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं लघुतम सम्मा पर्वतीय। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि होता क्या है कि लघुतम सम्मा पर्वत दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लघुतम सम्मा पर्वतीय इन संख्याओं के सार्व गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। संक्षेप में इसे लस यानी एलसीएम कहते हैं, लोअर कॉमन मेथड कहते हैं। इसमें विशेष क्या ध्यान रखना है आपको, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुतम समापवर्ती इन संख्याओं का यानी इन संख्याओं के सार्व गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। और वो संख्याओं का गुणज निकालना हम सीख चुके हैं। जैसे अगर मैं वापस रिवीजन कर देता हूँ, जब हम किसी संख्याओं को एक दो तीन चार आदि अंकों से गुणा करते हैं तो उनसे प्राप्त मान उसके गुणज कहलाते हैं। जैसे हमें पाँच का करना है तो पाँच को एक से गुणा किया पाँच, फिर पाँच को दो से किया दस, पाँच को तीन से किया पंद्रह, पाँच को चार से किया बीस। तो इस प्रकार ये जो मान आता है ये गुणज कहलाते हैं। अब ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुतम समापवर्तीय उन संख्याओं के सार्व गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। जैसे इसमें एक या दो से अधिक, तो इसमें तीन संख्या दे रखी है एक दो तीन, तो इसका जो कॉमन गुणज जो होगा वो ही इसका, और गुणज में भी सबसे छोटा वो ही इसका आंसर होगा। तो आइए हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखेंगे। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसके अंदर हम तीनों का पहले तीनों संख्याओं का 40, 48, 45 तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उनको गुणजों को लिखेंगे और फिर उनमें देखेंगे। और एक मेथड होता है भाग विधि, जिसको हम अलग अलग ना करके एक साथ ही करते हैं। तो हम दोनों विधियां यूज करेंगे। पहले हम कर रहे हैं इसके अंदर भाग विधि। तो इनको एक साथ ही लिखेंगे 40, 48, 45। अब हमें पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो। अब जिस संख्या में भाग लग रहा है उसमें लगा देंगे, जिसमें नहीं लग रहा वह संख्या वापस अपने स्थान पर नीचे उतर जाएगी। तो देखिए 40, 40 का भाग, 40 में दो का भाग लगाएंगे तब ये गया 20 भाग। फिर 48, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, 24 बार गया। 45 में जाता नहीं है तो 45 अपने स्थान पर। अब इसी प्रकार फिर देखिए, अगर दो का भाग जा रहा तो लगाइए, तो दो का 20 में 24 में जा रहा है तो फिर दो का लगाएंगे, 20 में 10 बार, 24 में लगाएंगे तो दो एकम दो, दो दूनी चार, 12 बार। 45 में नहीं होता तो वापस 45। फिर देखिए दो का जा रहा है तो लगाते जाइए, जब तक दो का लगा है लगाते जाइए। तो दो का लगाया, पाँच में गया, सॉरी 10 में गया 5 बार, 12 में गया 6 बार, 45 में नहीं जा रहा यह वापस अपने स्थान पे। फिर दो का 5 में नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है 3 बार, 45 में नहीं जा रहा वापस अपने स्थान पर। अब देखिए दो का नहीं जा रहा किसी ने भी। अब दो के बाद अभाज्य संख्या लेंगे 3, तो 5 में तो होते ही नहीं है, अपने स्थान पर आ गया 3 एकम 3। अब 45 में 3 का भाग 15 बार, फिर 3 का 5 में जाता नहीं है 1, और फिर 5 थी 15। अब अंत में संख्या रहेगी 5 1 1, वो 5 अभाज्य संख्या है और अपने खुद के पाड़े से 5 एकम 5 1, फिर 5 एकम 5। इस प्रकार ये कहलाती है भाग विधि। अब हम न्याय करेंगे कि 40,
48 व 45 के गुणज। अब जो गुणज हमारे पास हैं इन सबको हम लिख लेंगे। तो देखिए दो कितने बार आया, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार, तीन आया दो बार, तो तीन इंटू तीन, और लास्ट में पाँच। अब इन सब की आपको क्या करनी है, गुणा। तो देखिए इसमें दो दो के कितने समूह हैं, एक एक तीन का और एक, अपने सरलता के लिए हम इसको आराम से आसानी से टुकड़ों में गुणा कर लेते हैं। जैसे दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, इंटू तीन को तीन से किया, तीन तिया नौ, इंटू पाँच। टुकड़ों में गुणा इसलिए कर रहे हैं कि हमसे गलती ना हो। तो सोलह गुणा करके देख लीजिए, नौ छन चौपन, असल लग गई पाँच, नौ एकम नौ, नौ के अंदर पाँच जोड़ दीजिए, नौ के बाद में दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, यानी 144। अब गुणा हो गई, अब लास्ट में रह गया पाँच। अब 144 को हम पाँच से गुणा कर देंगे, तो पाँच को चार से करेंगे, पाँच चौके बीस, यहाँ रह गया दो। फिर पाँच को चार से करेंगे, पाँच चौके बीस, बीस के अंदर दो जोड़ देंगे, बीस और दो बाईस, फिर रह गया दो। फिर पाँच एकम पाँच, पाँच और दो सात। तो संख्या आई हमारे पास, इन गुणों को गुणा करने पर संख्या आई 720। अब हम नीचे लिख देंगे, अतः 40 48 व 45 का लस, और ये लस हो गया हमारा 720, जो कि हमारा उत्तर है। इस प्रकार आप किसी भी संख्याओं का लस ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला सवाल, इसमें दो संख्याएं हैं 12 और 18, इसको हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर दोनों को अलग अलग करना है, जिस प्रकार हमने मध्य समय किया था। तो सबसे पहले 12, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 के अंदर फिर 2 का भाग 3, और 3 के अंदर 3 का भाग, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसी प्रकार आप 18 का निकालना है, तो सबसे छोटा अंक 2, 2 का भाग 18 में 9 बार। अब दो के पारे में नौ आते नहीं है, तो हम लेंगे तीन, तो तीन का भाग नौ के अंदर तीन बार, और फिर तीन का तीन में एक बार, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब हम पहले इनके गुणनखंडों को लिखेंगे, यानी 12 का गुणनखंड 2 इंटू दो इंटू तीन, फिर इसी प्रकार 18 का गुणनखंड 2, दो नहीं अपने घर के खाली छोड़ दी, 3 इंटू तीन। अब आपको क्या करना है, इतना तो मह से के अंदर ज्ञात कर ही चुके हैं। अब हम इस प्रत्येक पंक्ति के अंदर से एक एक अंक को लेंगे, कितने पंक्तियां बन गए देखो, एक दो तीन चार, 12 व 18 का लस। अब इस प्रत्येक पंक्ति में से एक एक, पहली पंक्ति में दो, दो का समूह हो चाहे ना हो, हर पंक्ति में से आपको एक एक अंक लेना है। दो इसमें से आ गया, दो तीन तीन, और इनकी अब करनी है आपको गुणा। तीन को तीन से किया, तीन तिया नौ, नौ को दो से किया, नौ दूनी अठारह, अठारह को दो से किया, अठारह दूनी
36 जो कि आपका उत्तर है। तो अभी आपने देखा, हमने लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं के सहायक गुणजों में से जो सबसे छोटा होता है। इसको करने की दो विधियाँ हैं, पहली विधि भाग विधि, दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। आप किसी भी एक विधि के द्वारा इसका हल कर सकते हैं। इसको आप वापस देखिए, समझिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको यहाँ पर दो सवाल दे रहा हूँ जिसको आप खुद अपने अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयत्न कीजिए। जैसे एक संख्या लिखी मैंने 36 48, दूसरी संख्या लिखी 92 72 108। अब इन दो सवालों को आपको खुद को अपनी कॉपी में करना है और इसका अभ्यास करना है और इनको समझना है। धन्यवाद।